नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का एनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव और वक्त है राष्ट्र धर्म का। राष्ट्र धर्म में आज बात करेंगे नीति आयोग की बैठक को लेकर, साथ ही साथ आज जो दिल्ली के अंदर मैराथन मीटिंगों का दौर जारी है, यूपी से लेकर दिल्ली, पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली, सियासत जारी है, गहमा गहमी से भरा हुआ ये पूरा सियासी माहौल है। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में जहां ममता बनर्जी ने माइक बंद करने पर हंगामा खड़ा किया, वहीं दिन की दूसरी बड़ी मीटिंग बीजेपी के नेताओं की हुई। बीजेपी की मीटिंग में लोकसभा चुनाव की समीक्षा की जा रही है। पार्टी मुख्यालय में चल रही इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी शासित राज्यों के उप मुख्यमंत्री भी बैठक में मौजूद है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में मौजूद है। लेकिन इस बैठक के बीच सबकी नजरें उत्तर प्रदेश में चल रही सियासी खींचतान पर लगी हुई है, जहां दोनों डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सीएम योगी की पिछली मीटिंग्स में शामिल नहीं हुए थे। लखनऊ में हुई समीक्षा बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार से बड़ा होता है संगठन वाला बयान देकर हलचल मचा दी थी। इसके बाद सीएम योगी ने भी ताबड़तोड़ कई बड़े एक्शन लिए। अब बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली में हो रही इस बैठक में क्या सीएम योगी और उनके दोनों डेप्यूटी सीएम को पार्टी आलाकमान क्या कोई सियासी संदेश देगा? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज दिन भर में जो प्रतिक्रियाएं सामने आई है। আপনারা বাংলার সমস্ত উন্নয়নের প্রজেক্ট বন্ধ করে দিয়েছেন, আপনারা বিরোধী দলের কোন রাজ্যকে কোন সুযোগ দেন না, এবং আপনারা আমাদের 3 বছর ধরে 100 দিনের কাজ বন্ধ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বন্ধ, রুরাল রোড যোজনা বন্ধ, সমস্ত কিছু বন্ধ করে রেখেছেন, এমনকি ফুড সাবসিডি পর্যন্ত দেননি। আমরা 1,71,000 কোটি টাকা পাই লাস্ট ইয়ার পর্যন্ত, এই বাজেটেও কিছু নেই, শুধু জিরো। এইটুকু বলার সাথে সাথে আমার মাইকটা স্টপ করে দিয়েছে। আমি বললাম, ওয়াই ইউ ডিসক্রিমিনেট, ওয়াই ইউ স্টপ মি, আই এম অনলি অ্যাটেন্ডিং, ইউ শুড বি হ্যাপি ফর দ্যাট, ইনস্টেড অফ দ্যাট ইউ আর গিভিং মোর স্কোপ টু ইয়োর পার্টি, ইয়োর গভর্নমেন্ট, and you only me on behalf of opposition only I am there and you stop my mic, apni amar mic bondho kore dicchen, apnader ei bonchona ami mani na, tai mone rakhben ami chollam। Desh ke andar 10 crore garibon ko makan diye, Uttar Pradesh mein 56 lakh garibon ko bina bhedbhav ke makan diye, humne jo nara diya, Modi ji ne jo nara diya ki sabka saath aur sabka vikas, हमने जाति मत और मजहब के आधार पर भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। हम आज भी कह सकते हैं हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया, विकास के कार्यों के लिए भेदभाव नहीं किया। ये 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन आज भी मिल रहा है, क्या किसी जाति को मिल रहा है, किसी मत विशेष या किसी धर्म विशेष को मिल रहा है? भारतवासी है उसको राशन मिल रहा है। भारत पहला देश जिसने भूख से मौतें नहीं होने दी, बदहाली नहीं होने दी, आत्महत्या नहीं होने दी, किसी गरीब को सड़क पर भूखा से मरने के लिए मजबूर नहीं होने दिया। लेकिन उस सबके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार कार्य करता रहा, विपरीत परिस्थितियों में अपनी जान की परवाह किए बगैर लगातार कोरोना जैसी महामारी से जूझता रहा, और सेवा को ही संगठन मान करके कार्य करने का परिणाम रहा कि जिस महामारी के सामने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें नतमस्तक हो गई, उसी कोरोना को कहां समाप्त कर दिया मोदी जी के नेतृत्व में। भारत ने सबसे अच्छा परिणाम देकर के दुनिया के सामने कोविड प्रबंधन की एक नई अनूठी छाप छोड़ी। और अगर यहां पर कहीं भी कहीं कोई खनोच आता है, तो वहां उसका असर वहां पर भी पड़ने वाला है।
और इसीलिए अभी से इसकी तैयारी में जुटना होगा, एक एक व्यक्ति को जुटना पड़ेगा, ब्लॉक प्रमुख हो या चेयरमैन, महापौर हो या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक हो या विधान परिषद सदस्य, लोकसभा के हमारे माननीय सांसद हो या फिर राज्यसभा के माननीय सांसद, इन सबको संगठन के साथ बेहतरीन तालमेल बना करके, संगठन जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा। और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा, यह हम आप सबको आश्वस्त करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। तो स्वास्थ्य विभाग वो दिखाई दे रहा है, और कितना भ्रष्टाचार होगा उसमें पता ही नहीं, ये तो कुछ खुल रहे हैं, और ये खुल इसलिए रहे हैं कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं। वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए होंगे कौन मोहरा है, सुनने में आया कि मौर्या जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे, क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? और सबसे गंभीर सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, मुझे याद है कि इस प्रदेश के गवर्नर थे, हमें चिट्ठी लिखते थे और अखबार में सरकार को, समाजवादियों को बदनाम करने के लिए जातिवादी का आरोप लगाते थे। बताओ कोई है कहीं कोई जो गिनती करे कौन कहां बैठा है? बताओ मुख्यमंत्री जी कौन है, मुख्य सचिव कौन है, प्रमुख सचिव कौन है गृह, और विभाग में कौन कौन कहां बैठा है? सोचिए आप भी तो थे, कभी कभी उठाते थे सवाल जातिवाद का, तो आप विचार करिए, गंभीर सवाल है। तो यूपी ऐसे नहीं चलेगा, यूपी की जनता को इन्होंने धोखा दिया है, यूपी की जनता का इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बजट की बात तो लोकसभा में होगी, क्या यूपी को क्या मिला? हालांकि प्रेस के सामने मैंने कहा कि अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में केवल 25 किलोमीटर ये सरकार बना देती तो दिल्ली से भागलपुर तक आप एक्सप्रेसवे पे चले जाते। जिस गांव में जितना बना करके छोड़ दिया हम लोगों ने, उस गांव से आगे एक इंच जमीन नहीं सरकार ने ली। अगर कोई गाजीपुर का हो तो वो जानता होगा, पखनपुरा तक छूट गई थी सड़क, उसके आगे नहीं सड़क जा पाई। तो अगर वो सड़क बन जाती जो पैकेज दे रहे हैं बिहार को, और बिहार की बाढ़ कैसे रुकेगी बिना यूपी की बाढ़ को? 30-40 जिला तो हमारे बाढ़ में प्रभावित हैं, नेपाल से बातचीत किए बिना और यूपी की बाढ़ को रोके बिना बिहार की बाढ़ कैसे रुक जाएगी? यूपी की बाढ़ नहीं रुकेगी तो। इसलिए आप खेल देखिए दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड का। जूझ रही है, आज लखनऊ मंडल की बैठक थी और उसमें दोनों डिप्टी सीएम नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे? जो आज ट्वीट कर रहे हैं वो बताएं कि आज वो बैठक में क्यों नहीं गए थे। और लगातार भारतीय जनता पार्टी में अंतर कलह हो रहा है और समाजवादी पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। हम सड़क से लेके विधानसभा के अंदर तक संघर्ष करने का काम करेंगे और जनता इन संघर्षों में हमारे साथ खड़ी होगी और प्रदेश में परिवर्तन और बदलाव होगा। समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज संविधान मान स्तंभ का यहाँ पर रखा गया है। ऐसे ही पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिला और महानगरों में ऐसे ही संविधान मान स्तंभ रखने का काम होगा। हम संविधान की रक्षा करने के लिए हर तरीके से संघर्ष और कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं। विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, ऐसे में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे समाजवादी पार्टी? 29 जुलाई से संविधान का सत्र शुरू हो रहा है। हम विधानसभा के अंदर जनता के मुद्दे रखने का काम करेंगे। आज भ्रष्टाचार
चरम सीमा पर है, महंगाई से जनता त्राही त्राही कर रही है, बेरोजगारों के कारण से नौजवान परेशान है और लगातार भाजपा की सरकार गरीबों के मकानों को तोड़ने का काम कर रही है। अकबर नगर को तोड़ने का काम हुआ, हम उस मुद्दे को वहाँ पर उठाने का काम करेंगे। और जो रहीम नगर, खुर्रम नगर, अबरार नगर, बंद नगर को तोड़ने की कार्रवाई हो रही थी, हम लोगों ने संघर्ष किया तो मुख्यमंत्री ने उसको स्थगित किया है, अभी निरस्त नहीं किया है। उसको निरस्त कराने के लिए विधानसभा के अंदर हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। हम हर दिन जनता के मुद्दों को लेकर के विधानसभा के अंदर लड़ाई लड़ने का। तो आपने सत्ता पक्ष और विपक्ष के प्रतिक्रियाएं देखी, किस तरह से जहां समाजवादी पार्टी यूपी में बीजेपी के अंतर्कलह की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी जो आज नीति आयोग की बैठक हुई, जो आज बीजेपी के खुद की समीक्षा बैठक है, उसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं दी। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता प्रदीप भटनागर जी, अजीत यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विजय दुबे, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजकुमार मौर्य, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले अजीत जी, आपसे शुरुआत करूंगी और एक एक मिनट का सबसे काउंटर लूंगी, उसके बाद इस डिबेट को ओपन करेंगे। अजीत जी, क्या अभी भी समाजवादी पार्टी का मॉनसून ऑफर जारी है, क्योंकि अभी तो बीजेपी की मीटिंग दिल्ली में चल रही है? जी जी अजीत जी बोलिए। स्वतः दिख रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री, ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री, जो भाजपा की मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में जा ही नहीं रहे हैं। एक बार नहीं, इलाहाबाद योगी जी आए थे अभी सर्किट हाउस में, उन्होंने मीटिंग लिया जी। उस मीटिंग में केशव प्रसाद मौर्य जी, मंत्री नंदी जी के यहाँ शादी थी, उन्होंने अधिकारियों की मीटिंग ली, समीक्षा बैठक की सर्किट हाउस में, और केशव प्रसाद मौर्य जी इलाहाबाद में थे, और यहाँ इलाहाबाद में भी सर्किट हाउस की मीटिंग में नहीं गए। उत्तर प्रदेश में जो मीटिंग हुई है योगी जी की, इलाहाबाद के जो स्पेशल यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसदों की मीटिंग थी, योगी जी ले रहे थे, उसमें भी केशव प्रसाद मौर्य जी नहीं गए। तो अपने आप दिख रहा है कि भाजपा में की गुंडबाजी किस तरीके से चरम पर है। ये समाजवादी पार्टी थोड़ी कह रही है कि उनके अंदर अंदरूनी अंतरकला सड़क पर स्वतः दिख रहा है, जुबानी जंग में स्वतः दिख रहा है। केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि संगठन से बड़ा सरकार नहीं है, और ब्रजेश पाठक जी क्या बोल रहे हैं, और इनके मंत्री यही पे पट्टी के राजेंद्र प्रताप सिंह, मोती सिंह जी मंत्री थे, वो कहे कि मेरे 42 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने ऐसा भ्रष्टाचार, अत्याचार और कदाचार नहीं देखा जी। कि थानों से लेकर के, तहसील से लेकर के, कचहरी से लेकर के, जिले स्तर तक के अधिकारी बिना घूस के, बिना पैसे के एक भी काम नहीं करते। और आए दिन आप पेपरों में हम देखते हैं, पढ़ते हैं, आए दिन पेपरों में छपता कि घुस लेते हुए विजिलेंस की टीम ने फला अधिकारी को पकड़ा, और कुछ दिनों में जेल जाते हैं, जमानत पर छूट जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, सारे फिरा करके नौकरी करते हैं। और योगी सरकार जो है, जो दम है, भरती है कि हम जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किए हुए हैं जी। तो हम कहते हैं सीधा, ये हम थोड़ी कह रहे हैं, जो एनसीआरबी का डाटा है उसको ही उठा करके लोग देख लें कि अपराध किस स्तर पर है। थानों में जो कस्टोडियन डेथ है, अभी देखिए एक वीडियो आया था चालौन का संभवतः, उसमें एक व्यक्ति को पुलिस वाला पीट पीट करके इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौत हो जाती है। तो इस तरीके से थानों में अगर गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा,
तो भाई देखिए, अंतरात्मा की आवाज बीजेपी में जो विधायक हैं, जो मंत्री रह चुके हैं, उनकी भी अंतरात्मा की आवाज जगती है कभी कभी कि जब अन्याय हो रहा है तो अन्याय देखते देखते सहन करने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो उसको बोलना पड़ता है कि इस तरीके सर, के अपराध, इस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहे हैं। ठीक है जी, जी राजकुमार जी, एक तरफ तो जिस यूपी के अंतर्कलह की बात तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं सर, आज उस पर फुल स्टॉप लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सीएम योगी की आज मीटिंग है, सभी मुख्यमंत्रियों की है बीजेपी शासित, लेकिन सबकी निगाहें सिर्फ यूपी की जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ उन पर टिकी हुई है कि आज उनकी मीटिंग प्रधानमंत्री के साथ किस तरह से रहने वाली है। दूसरी सर, क्या जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां के मुख्यमंत्रियों को नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होना चाहिए था? अपने राज्य की जो बातचीत, अपने राज्य के जो मुद्दे है उसे नीति आयोग में नहीं उठाने चाहिए थे, वो भी प्रधानमंत्री के सामने? मौजूदा उत्तर प्रदेश में चल रहा है कोरी नौटंकी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एक एक करके जो आप पूछ रही है सारी बातों को बता रहे हैं जी। मौजूदा जो इलेक्शन हुआ 2024 का, उसमें भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी हार हुई, उसमें कोई दो राय नहीं। तो उसका ठीकरा फोड़ा जाए, किस पर फोड़ा जाए भाई जी। योगी जी कह रहे हैं हमें टिकट नहीं बांटा है, तो जो जिसने टिकट बांटा है उस पर फोड़ा जाए, लेकिन उस पर जिम्मेदारी नड्डा जी की होती है जी। उन पर भी कुछ नहीं कर सकते, भूपेंद्र चौधरी जी की होती है प्रदेश के अध्यक्ष, उन पर भी कुछ नहीं कर सकते, तो फोड़ा किस पर जाए? तो फोड़ा किस पर जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि दलित पिछड़ों का वोट नहीं मिला, तो उसके जिम्मेदार कौन है? केशव प्रसाद को बलि का बकरा बनाया जा रहा है जी। तो सारी यही नौटंकी है ये दिखाने के लिए कि एक विशेष लोगों ने, ओबीसी के लोगों ने या दलित पिछड़े जो लोग हैं, नेताओं ने, उन्होंने ठीक से काम नहीं किया, ठीक से अपना विभाग नहीं दिखाया, इसीलिए जो है दलित पिछड़ों का वोट नहीं मिला, इसीलिए हार गए। जबकि वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि योगी जी की सरकार में जितने भी अफसर है सब मनमानी कर रहे हैं, पूरा प्रशासन अफसर देख रहे हैं, अफसर ही सब कुछ कर रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं। सीधा सीधा अगर कहा जाए तो उसमें दो राय नहीं है, आप मुकदमा कोई किसी के खिलाफ कुछ होता है आप चले जाइए तो पहले आपको लूट लेंगे। और अगर इसमें कोई भी नेता भाजपा का हो, सपा का हो, कांग्रेस का हो, किसी को नहीं छोड़ते हैं, किसी की कुछ नहीं सुनते हैं। तो ये जो भ्रष्टाचार कराया जा रहा है योगी आदित्यनाथ जी द्वारा कराया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनका प्रशासन पूरी तरह से लिप्त है। एक उदाहरण अभी आपको हम बता देते हैं, बलिया की घटना हुई है, पूरा का पूरा थाना उसमें इन्वॉल्व है, और हर आने जाने वाले ट्रक से 500 रुपए वसूलते थे, यानी 1000 ट्रक से की मतलब लगभग कितना बताइए कितनी बड़ी लूट और घसोट चल रही है। इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की दशा हुई, एक साल से लेकर जो है जितने भी अधिकारी हैं, प्रशासन है, सब इसमें लूट खसोट में लगे हुए हैं, और किसी भी नेता, भाजपा के स्वयं नेता, उनकी भी नहीं चलती, कोई नहीं सुनता, तमाम जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी कोई नहीं सुनता, और नेताओं की छोड़िए। तो यही स्थिति है, इसी के कारण भाजपा की हार हुई। लेकिन नहीं, इसमें देखिए आरएसएस इन्वॉल्व हो गया है, आरएसएस इन्वॉल्व होने का मतलब योगी को क्लीन चिट मिलना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा देखिए, अब आपने पूछा कि और कांग्रेस और क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रहे नीति आयोग में जी। तो भाई वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर सरकार बचाई जा रही है, कुछ विशेष राज्यों को अपनी सरकार बचाने के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज दिया जा रहा है, बाकी और राज्यों को झुंझुना थमाया जा रहा है, तो क्या जरूरत इस मीटिंग में जाने की? राज्यों ने अपनी अपनी मांगे लिख कर दी है, उसको पूरे में फेंक दिया गया है, तो किस लिए मीटिंग बुलाई जा रही? अरे आप बुलाइए, हमारी जो जरूरतें हैं सुनिए, उस पर गौर करिए और अनुदान दीजिए। केंद्र किस लिए होता है? राज्यों को अनुदान देता है तो नीति आयोग में योजनाएं बनती है, आप भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है राजकुमार जी। विजय जी, यूपी में जो टेंशन चल रही थी इतने दिनों से देख रहे थे, जब सीएम मीटिंग ले रहे हैं तो उस मीटिंग में डेप्यूटी सीएम नहीं पहुंचते हैं, डेप्यूटी सीएम अलग से विधायकों के साथ मीटिंग करते हैं, उसकी फोटोज सोशल मीडिया पर डालते हैं सर, क्या आज उस टेंशन को दिल्ली में फुल स्टॉप लग जाएगा? दूसरी सर, जिस तरीके से आज नीति आयोग की बैठक होती है उसमें ममता बनर्जी शिरकत करती है लेकिन वॉकआउट कर जाती है और बाहर आकर ये आरोप लगाती है कि उनका माइक बंद कर दिया गया।
देखिए आज जो नीति आयोग की बैठक थी जी, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद थे वहां पर, और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री भी वहां पर नीति आयोग में थे। कांग्रेस ने पूरी तरह से चूंकि नीति आयोग का आज की बैठक का वॉकआउट कर रखा था, बहिष्कार कर रखा था, तो जो इंडिया गठबंधन के अलाइज है वो इस बैठक में नहीं गए। हाँ, ममता दीदी का पहले से इस बात का डाउट था कि वो जाएंगी या नहीं जाएंगी, क्योंकि उनकी ओर से ये स्पष्ट नहीं किया जा रहा था, लेकिन आज ममता बनर्जी जब नीति आयोग में बैठक में मौजूद थी और उन्होंने अपना पक्ष रखने की कोशिश किया तो उनका माइक बंद कर दिया गया और ये कहा गया कि भाई आपको जो समय अलॉटेड था हम उस समय पर ही आपको बोलने दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल ममता जी नाराज हुई हैं और नाराज होने के बाद में उन्होंने मीटिंग से वॉकआउट कर दिया था और वो बाहर आ गई, और वो इवन यहाँ इतनी नाराज हो गई कि उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई मैं आगे कभी भी नीति आयोग की इस बैठक में नहीं आऊंगी। तो ये सब चीजें जो है घटनाक्रम ये बताते हैं कि भाई जो जो भी अपोजिशन लीड गवर्नमेंट्स है उनको भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से उनका जो जो उनकी उनका शेयर बनता है, जो उनके डेवलपमेंट के रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जो मांगे हैं, उनके ऊपर मैं गौर नहीं करना चाह रही है। एक तो ये बात लगती है ममता जी के इस बात से। दूसरी बात ये कि जो बजट पेश हुआ है उस बजट पे बहुत सारे लोगों के ग्रेवियंसेस है, तो वो ग्रेवियंसेस जो है भाई सरकार ही तो एड्रेस करेगी ना, जो या तो फिर विपक्ष अपना विरोध जाहिर करेगा। विपक्ष का ये तो अधिकार कम से कम है ही है कि वो अपनी बात को जो है मजबूती के साथ रखे, जिससे इस देश के अन्य राज्यों को भी वैसे ही फंड्स का और परियोजनाओं का लाभ मिले जो कि इस देश के करदाताओं का पैसा है। तो ये असल में केवल राजनीति को साधने के लिए और खास राज्यों को जिनकी जिनके की सहयोग से सरकार ही चल रही है जी। अगर इस प्रकार की जैसे कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी इस बात को उठा रहे थे, तो ये सारी चीजें हो रही है और इस पे निश्चित तौर पर आने वाले समय में राजनीति और तेज होगी। और अभी तो ये बहुत जुम्मा जुम्मा कितना समय हुआ, अभी मोदी जी को जो है थोड़ा समय और काटने दीजिए, अभी तक उन्होंने गठबंधन की सरकार नहीं चलाई थी, अब वो गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, इसलिए उतने ही डर उनको अभी बैठे हुए हैं कि भाई कौन से जब वक्त में कौन सा जो उनका सहयोगी है वो लेफ्ट राइट करके चलना दे। ठीक बात, ठीक है दुबे जी, उस पर भी आऊंगी कि ममता बनर्जी वॉकआउट कर गई। हालांकि इस मीटिंग में शामिल होने से पहले उन्होंने ये कंडीशन रख दी थी, ये एक तरीके से घोषणा कर दी थी कि अगर मीटिंग में कुछ भी ऐसा होता है तो पहले वॉकआउट कर जाएंगी, और कुछ ऐसा ही उन्होंने किया। इस पर भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले बीरेंद्र मिश्रा सौरभ बीजेपी के नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीरेंद्र जी, आज जो मीटिंग चल रही है बीजेपी की समीक्षा मीटिंग, सबकी निगाहें सिर्फ यूपी को लेकर है, क्योंकि यूपी के अंदर इन दिनों जो सियासी घटनाक्रम देखने को मिला, डेप्यूटी सीएम और सीएम के बीच जिस तरीके की चीजें सामने निकल कर आई, उसके बाद सभी की निगाहें सिर्फ इस चीज पर है आखिरकार आज ये जो मीटिंग है इसमें योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के बीच किस तरह से बातचीत होंगी, क्या इसका समाधान निकलेगा। और दूसरा, नीति आयोग की जो बैठक हुई उसमें जिस तरह से ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उनका माइक बंद कर दिया गया, और बाकी जो कांग्रेस शासित राज्य है या जो बाकी राज्य है उनके मुख्यमंत्री जो आज शामिल नहीं हुए, इस चीज को लेकर भी सर लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि बीजेपी जो है अपने विपक्षी दल जो है उनकी सुनती नहीं है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं इन सब चीजों का बॉयकॉट किया गया है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन ढांचा है और संगठन जी उनको ये लगता है उनके लिए उत्तर प्रदेश में योगी जी के साथ है, योगी जी के नेतृत्व में है, योगी जी के नेतृत्व में चला जाएगा उत्तर प्रदेश का, ये भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट। बीरेंद्र जी एक मिनट, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है सर, वो ठीक हो जाए फिर आपके पास आएंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहे एनबी न्यूज के साथ। We'll be right back.
नहीं बताऊ माँ, इबे तो रेवाड़ी है। पता ना माँ, अभी तो अम्बाड़ा में कोई काम से। माँ सारे हरियाणा में गाड़ी ने तोड़ता हूँ मैं जा सा नॉन स्टॉप। ब्रह्मा लो आ गया। अरे माँ गाड़ी निकालते ही शानदार हाईवे मिल जाए, गियर बदलो और पहुंच जाओ फटाफट। अरे हाँ माँ, इब हरियाणा सरकार नॉन स्टॉप काम कर रही है। अभी तो अपनी गाड़ी और बिजनेस दोनों भाग्य है नॉन स्टॉप। अब हरियाणा में है 40 नेशनल हाईवे की भरमार, तभी तो सब कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह, हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपूर, देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी, राजनांदगांव वाराणसी, चंबा बिलासपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रधर्म में आज बात चल रही है नीति आयोग की मीटिंग को लेकर, जहां पर विपक्षी दल से केवल एक मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हुई थी। हालांकि उन्होंने भी बीच में ही वॉकआउट कर दिया और बाहर आकर आरोप लगाया कि उनका माइक बंद कर दिया गया। तो दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर जो समीक्षा मीटिंग चल रही है तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ, उन सभी में सबकी निगाहें केवल और केवल उत्तर प्रदेश पर टिकी है। और आज इन्हीं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रदीप बीरेंद्र मिश्रा सौरभ जी, बीजेपी के नेता अजीत यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विजय दुबे, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजकुमार मौर्य, कांग्रेस के प्रवक्ता। बीरेंद्र जी आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सत्ता पक्ष में तालमेल की जरूरत होती है, और वो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकारिणी है, संगठन है और सत्ता मुख्यमंत्री का और संगठन का तालमेल बिल्कुल सही है, और भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज के हित को लेते हुए सर्व समाज के विकास को लेकर आगे बढ़ रही है। समता, समरसता, सामाजिकता के आधार पर हम उत्तर प्रदेश की सरकार को आगे बढ़ाएंगे और आने वाले 2027 के चुनाव में फिर से चुनाव जीत कर हम रिकॉर्ड बनाएंगे। और ये भी विपक्षी पार्टियां कभी कांग्रेस के कुल हाई फाई हो जाते हैं तो कभी अपने पार्टी की बात करते हैं। परिवारवादी पार्टियां बहुत दिनों तक आगे बढ़ने वाली नहीं है, जनता जनार्दन है, ये सब कुछ जान चुकी है। ये आम जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आम जनता भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सत्ता पक्ष के साथ है और देश और प्रदेश का विकास चाहती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पुनः विजयी होगी, हम एकजुट होकर आगे बढ़ते रहेंगे। बीरेंद्र जी ठीक है, आपने तमाम बातें कही, लेकिन सर सवाल तो उठना लाजमी है ना, लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके की चीजें देखने को मिली, जहां पर एक बयान आता है कि संगठन बड़ा होता है, दूसरी तरफ बयान आता है जिस तरीके से डेप्यूटी सीएम अलग से मीटिंग कर रहे हैं, सीएम की जब मीटिंग होती है बुलाया जाता है तो वो शामिल नहीं होते हैं, यहां तक सवाल उठने लगे थे क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे। और देखिए दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने तो इसी वजह से मॉनसून ऑफर दिया था, सो लाइए सरकार बनाइए। ये विपक्षी पार्टियों का कहना लाजमी होता है, ये संगठन और सरकार के बीच तालमेल चलता रहता है, ये इनका अपना सोचना हो सकता है। हम एकजुट होकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं और प्रदेश की सत्ता योगी जी के नेतृत्व में ही चलेगी, ये हमारे संगठन और सरकार दोनों का ये फैसला है, इसमें कोई इफ एंड बैट नहीं है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस क्या सोचती है, क्या बयान देती है, उसका अपनी जिम्मेदारी है, अपने संगठन के प्रति वो होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार चलेगी और 2027 में चुनाव का पुनः सुनकर हम आएंगे। अजीत यादव जी, क्या अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी का मोहरा है, क्योंकि आपने तो आरोप लगाया था जो डेप्यूटी सीएम है मौर्य है वो दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड है, वो मोहरा बन चुके हैं, लेकिन उन्होंने तो आप पे ही पलटवार कर दिया कि अखिलेश यादव जो है वो कांग्रेस पार्टी का मोहरा है। मौर्या जी अपने सिराथू में जी
विधानसभा का चुनाव तो जीत नहीं पाते हैं और चुनाव सिरातू से हार जाते हैं। लोकसभा का चुनाव जो होगा ये हम इलाहाबाद की सीट कांग्रेस हमारा जो अलायंस में थी जी। वो जीती। फूलपुर की सीट मात्र 4,000 से किस तरीके से इन लोगों ने केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी लाज बचाने के लिए किस तरीके से इस सीट को जिताया है जी। और कौशाम्बी हारे, प्रतापगढ़ हार गए, मछली शहर हारे, जौनपुर हारे, जितनी अगल बगल की सीटें आप उठा करके देखिए, फतेहपुर हारे, तो केशव प्रसाद मौर्य जी क्या बोलते हैं। अच्छा ये हम लोगों का बयान है, समाजवादी पार्टी का बयान है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, ये बातें क्यों आई। और केशव प्रसाद मौर्य जी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, बड़े नेता हैं, तो क्या बात है कि केशव प्रसाद मौर्य जी बीजेपी की मीटिंग में नहीं जा रहे हैं। और खास तौर से जब इलाहाबाद की मीटिंग होती है और खास तौर से जब इलाहाबाद में योगी जी आते हैं, हमने कहा यहाँ पर सर्किट हाउस में मीटिंग लेते हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य जी इलाहाबाद में होते हुए भी मीटिंग में नहीं जाते हैं, विधायकों की अलग मीटिंग करते हैं, गुटबाजी करते हैं। और जब लखनऊ में कार्य समिति की मीटिंग होती है तब भी केशव प्रसाद मौर्य भी नहीं जाते हैं और इनके उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी नहीं जाते हैं। तो ये डबल इंजन की सरकार टकरा रही है और इस इंजन में कोई एक नया, हमको लगता है मेमो वाला छोटा इंजन आ गया है, मेमो वाला जो चलता है, तो ये टकरा रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से ट्रेन हादसा जो हो रहा है उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में कोई हादसा ना हो जाए सत्ता का, तो ये कोई बड़ी चकित करने वाली बात नहीं है। योगी जी के पक्ष में संघ खड़ा है। अभी एक मानेंगे नहीं, मोहन भागवत जी का एक बयान आया है वो अभी 3 दिन पहले, कि मोहन भागवत ने कहा कि कोई जो है सुपरमैन अपने को बनाने की कोशिश कर रहा है, वो किनके बारे में बोला, और कुछ लोग अपने को भगवान समझने लगे हैं, यह भूल मत करें, ये जनता जनार्दन जो है सबको सत्ता में लाती है और सत्ता से उखाड़ फेंकती है। तो आप इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सब मुद्दा विहीन हो चुके हैं, केवल धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, जात के नाम पर, भाषावाद के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, लोगों को बांटने का काम करते हैं। कभी हलाल के नाम पर आ जाएंगे, कभी नेम प्लेट के नाम पर आ जाएंगे, कहीं दुकानों पे नाम लिखने के नाम पे आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया, 71 पेपर लीक हो गए पूरे देश में जब से ये सरकार आई है। तो महंगाई आज तक 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाई ये 10 सालों में, जो 2 करोड़ साल भर में देने की बात करते थे, भ्रष्टाचार काला धन लाने की बात करते थे, आज तक एक नाम इन्होंने जो है घोषित नहीं किया। कितने मुद्दे गिनाए जाए, खाद का इन्होंने जो बोरी आती थी खाद का 50 किलो का रेट कम था, उसको 50 किलो से इन्होंने कर दिया जो है 40 किलो। तो महंगाई, किसान, आप बीज के दाम देख लीजिए कि किसानों के किस तरीके से बढ़ गए हैं, जीएसटी किसानों के जो यंत्र हैं, कृषि यंत्र आते हैं उस पर जीएसटी 18-28% किया जाता है। अजीत जी ठीक है, उन सब चीजों पर नहीं जाते हैं सर। और अच्छा लगा कि आपने आरएसएस की बात की, आपने कहा कि सर संचालक ने जिस तरीके से, मोहन भागवत ने जिस तरीके से बातें की थी सर, उन्होंने तो बहुत सारी ऐसी बातें की है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी नजरअंदाज किया होगा सर। बहुत सी बातें की थी लोकसभा चुनाव में, जिस तरीके से बयानबाजी हुई उसके बाद जब चुनाव के परिणाम आ चुके थे तब भी मोहन भागवत ने सर बहुत सारी ऐसी बातें की थी, हालांकि उन सभी को आप लोगों ने नजरअंदाज किया। राजकुमार जी, क्या अखिलेश कांग्रेस का मोहरा है? ये मोहन भागवत जी का जो बयान है उस पर वो बयान को कहीं और ना लिया जाए कि लोग अपने को भगवान न समझे, क्योंकि मोदी जी ही कहे थे कि नॉन बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल, वो कहते थे कि मेरे अंदर कुछ ऐसी शक्तियां हैं ऊपर की कि मुझे ऐसे सब चीजें हो जाती हैं, ये मोदी जी बोले हैं। ठीक, भगवान बनने की कोशिश किए हैं। ठीक है जी जी, राजकुमार जी, क्या अखिलेश कांग्रेस का मोहरा है? अवतारी पुरुष मोदी जी ने बताया है। ठीक है जी जी, ठीक, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी जो बता रहे हैं आदरणीय अजीत यादव जी, इनकी बात को हम बता रहे हैं, जब आदमी सत्ता में होता है ना तो सुनसा हो जाता है, और जब कहीं सत्ता लड़खड़ाती है ना तो भ्रम हो जाता है। उत्तर प्रदेश में वही भ्रम है,
जी उत्तर प्रदेश भाजपा इस समय पूरी तरह भ्रम की स्थिति में है। ये लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं क्या कहे क्या करे, जो मन में जिसके आ रहा बक रहा है, और उसी में लोग कह रहे हैं कांग्रेस और सपा का जो आप बता रही है, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि मोहरा है कांग्रेस की, मोहरा अखिलेश यादव को बता रही है, ये पूरी तरह भ्रम में है। खुद क्या करे समझ में नहीं आ रहा। केशव प्रसाद उधर भाग रहे हैं विधायक लेकर, योगी आदित्यनाथ झुकने को तैयार नहीं है। ये सब इस तरीके से पूरी कंफ्यूज है भारतीय जनता पार्टी, एक एक कार्यकर्ता कंफ्यूज है। समय करे तो क्या करे, जो लड़ाई हो रही है वो साफ साफ बता दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी जमीन खत्म हो चुकी है। आने वाले जो उपचुनाव होंगे देखिएगा, घोसी से बुरा हाल होने वाला है, इनकी जो है जमानत तक नहीं बचेगी, इनके जो भी है प्रत्याशी ढंग से नहीं उतार पा रहे हैं, कौन लड़ेगा। तो आने वाला समय निश्चित रूप से ये जो महाभारत दिख रहा है इसका असर आने वाले चुनाव में बहुत बुरा पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से राजकुमार जी एक सवाल, आज जो नीति आयोग की जब मीटिंग हुई और ममता बनर्जी उसमें शामिल हुई, वॉकआउट करके बाहर आती है और बोलती है कि उनका माइक बंद कर दिया गया, इसमें कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है सर? अरे मैडम ध्यान से सुनिए, इसमें कोई बात नहीं, अभी इससे पहले ही सवाल था, हमने उस पर जवाब दिया, फिर उसी को बात को दोहरा रहे हैं। माइक बंद करना कोई नई बात नहीं है, संसद में राहुल गांधी जी का माइक बंद कर दिया गया था, एक सांसद का माइक बंद कर दिया गया था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जिसको जनता पूरा मतलब भारत देश के लोग देखते हैं, लाइव प्रसारण होता है, वहां पर एक संसद का माइक बंद कर दिया गया, पार्टी के एक बड़े नेता का माइक बंद कर दिया गया, तो नीति आयोग की मीटिंग हो तो बंद कमरे में होती, उसमें कौन सी बड़ी बात है। शायद इसीलिए और पार्टियों ने किनारा कसा, लेकिन ममता जी को उम्मीद थी कि जाकर अपनी बात कहेंगे। ठीक है सर, अधीर रंजन चौधरी को जानते हैं सर? नहीं राजकुमार जी, अधीर रंजन चौधरी को जानते हैं, जहां से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है वहां से ये सर अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के ही बड़े नेता है सर। उन्होंने खुद बोला है सर कि ममता बनर्जी ने जो कुछ बातें कही है वो सिर्फ नौटंकी है, वो स्क्रिप्ट है केवल, जो वो लेके गई थी और जाके वहां पर उन्होंने वही स्क्रिप्ट बोली है सर। ये तो आपके खुद के नेता बोल रहे हैं सर। देखिए अधीर रंजन चौधरी जी कांग्रेस के नेता थे और विपक्ष में बढ़िया बोलते थे, सब बात सही है, लेकिन हम वही बता रहे हैं, आप खुद जज निर्णय लीजिए कि जब लाइव प्रसारण जिस चीज का होता है वहां पर माइक बंद कर दिया जाता है विपक्षी सांसदों का, तो कमरे में मीटिंग हो रही हो तो वहां कौन सुनने वाला है। तो इस देश की जनता जान रही है और शायद तमाम प्रदेश के जो जहां पर गैर भाजपा शासन है, गैर मतलब ऐसे राज्य जहां पर भाजपा शासन नहीं, उनके मुख्यमंत्री भी नहीं गए, खाली इसलिए नहीं गए कि जान रहे हैं जो बोलेंगे सुना जाएगा ना नहीं, तो ये कोई नई बात नहीं है। इनकी इनकी जो तानाशाही है ना कभी गई है ना जाएगी, ये तो कहीं इस बार उत्तर प्रदेश के लोगों ने थोड़ा इनको सबक सिखाया है और आने वाले समय में कायदे से इनको सबक सिखाएंगे, और उसी डर के नाते ये जो नौटंकी कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ, इधर का उधर उधर का उधर कुछ नहीं है, सारी नौटंकी है, इसके अलावा कुछ नहीं है, केवल जनता का ध्यान भटका रहे हैं, दिखा रहे हैं देखिए हम जो पिछड़े नेता हैं उनको भी तो जो देते हैं उनको भी हम मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन आरएसएस नहीं बनाने दे रहा, ये संदेश मोदी जी देना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। ठीक है सर, इस बार एकदम साफ होंगे, चले जाएंगे पूरी तरह। जी ठीक है विजय जी, मैं आपसे फिर से नीति आयोग की मीटिंग के बारे में ही पूछूंगी सर, क्योंकि देखिए ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में जिस तरीके की चीजें रही है वो सब जानते हैं सर। जब रविंद्रनाथ टैगोर जी की जब 100वीं वर्षगांठ मनाई गई थी उस दौरान भी ममता बनर्जी ने मना कर दिया था, उन्होंने बोला कि मुझे कोई आमंत्रण नहीं मिला है इसलिए मैं इसमें शामिल नहीं होंगी। जब साइक्लोन अम्फान आता है तो ओडिशा के अंदर मीटिंग की जाती है प्रधानमंत्री की ओर से, पश्चिम बंगाल में दोनों मीटिंग से नदारद रहते हैं ममता बनर्जी। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जिस तरह से कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसमें भी ममता बनर्जी मना कर देती है कि मैं स्टेज पे जाके भाषण नहीं दूंगी क्योंकि मुझे टाइम नहीं दिया गया सर। ऐसी चीजें पहले भी देखी है सर, और मीटिंग में जाने से पहले खुद ममता बनर्जी ने कहा था अगर कुछ भी ऐसा मीटिंग में होता है तो मैं खुद वॉकआउट कर जाऊंगी बीच में, और सर वही हुआ। नहीं देखिए असल में जो ये वॉकआउट करने वाली बात है, ममता बनर्जी के साथ में चूंकि बीजेपी का आमना सामना वेस्ट बंगाल में बहुत लंबे समय से चल रहा है जी। और लगातार जो है चाहे गृह मंत्री के
दौरों की बात की जाए, चाहे प्रधानमंत्री के दौरों की बात जाए, आमतौर पर देखा गया है कि जो बीजेपी के बड़े नेता वहां होते हैं तो ममता बनर्जी अनकंफर्टेबल होती है, क्योंकि ममता बनर्जी को उस सम्मान के साथ में वो जगह नहीं दी जाती है। और बीजेपी के लोगों को ये लगता है कि वेस्ट बंगाल में ममता जी इतने समय से, हम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम वेस्ट बंगाल में इतनी सीटें जीतेंगे, अब भाई लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने वो इनका सपना पूरा नहीं होने दिया। तो जो खिसियाहट है, जो उनका जो नाराजगी है ममता जी के प्रति कि भाई हम तो जो है सारे मुद्दे उठाते हैं लेकिन वेस्ट बंगाल के लोग हमारी बात नहीं मानते हैं। अब वो अल्टीमेटली कार्ड एक वेस्ट बंगाल में ये है कि भाई जो बांग्लादेशी मुसलमान है वो सब जो है ममता बनर्जी की टीएमसी के साथ जुड़ जाते हैं, और वो हमारे भाई बीजेपी के लोगों के साथ आमतौर पर जो घटनाएं, दुर्घटनाएं, हत्याएं जो आप देखती है वेस्ट बंगाल में, वो किन के बीच टकराव के कारण होता है? सब जो है उसमें बांग्लादेशी मुस्लिम है जो कि बीजेपी, जो कि टीएमसी के कैडर हैं एक प्रकार से। और बीजेपी ने देखिए इसके पहले की जो जो मोदी टू था, कहूं मोदी टू में पूरी तरह से ईडी और जो सीबीआई है उसका इस्तेमाल वेस्ट बंगाल में भरपूर तरीके से किया गया जी। लेकिन उसके बावजूद भी जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं वो उसका प्रतिकार करते हैं, टीएमसी को जो है भरपूर तरीके से समर्थन देते हैं, वहां उनके भरपूर सांसद निकल आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब बीजेपी के सपने तोड़ने में ममता बनर्जी लगातार अपने वो हथियार इस्तेमाल कर रही हैं और वो सफल हो रहे हैं, तो खिसियाहट जो है वो गुस्सा तो रहेगा ही जी। विजय जी, लेकिन देखिए एक चीज इसमें से ये भी सामने निकल कर आ रही है, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि जब ममता बनर्जी सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी से मिलती है, सुनीता केजरीवाल से, तो वहां से वो भगवंत मान को कॉल करती है कि आप इस मीटिंग में शामिल हुई, जो आपके मुद्दे हैं राज्य के उन चीजों को रखिए, हालांकि भगवंत मान गए नहीं पंजाब के मुख्यमंत्री, तो कहीं ना कहीं वो मीटिंग में तो चली गई ममता बनर्जी, लेकिन चूंकि अब विपक्ष के कोई भी जो मुख्यमंत्री थे विपक्षी राज्यों में वो इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए, तो बीच में वॉकआउट करके वो आ गई। इससे ये भी जाहिर करना चाहती है कि वो भी विपक्षी दलों के साथ है, हालांकि मीटिंग में शामिल हुई, लेकिन देखिए मैं तो 5 मिनट बाद ही वापस लौट के आ गई। नहीं नहीं देखिए, ये जो जो स्टैंड है एक्चुअली बहुत क्लियर होना चाहिए था, जो कि आमतौर पर टीएमसी की ओर से इस पॉइंट पे इंडिया ब्लॉक के साथ में वो डबल ग्रेन खेलते हैं। एक तरफ उनको प्रॉब्लम ये आती है कि भाई वो वेस्ट बंगाल में किसी को शेयर नहीं देना चाहते, दूसरी बात उनको लगता ये है कि भाई हम कांग्रेस की जो है पॉलिटिक्स है, जिस कांग्रेस पॉलिटिक्स के अंदर में हम उस ब्लॉक के अंदर से मतलब हम जैसा चाहते हैं वैसा होना चाहिए वहां पे। अब भाई सवाल ये उठता है कि टीएमसी का जो टोटल पॉलिटिक्स है वो वेस्ट बंगाल के आगे कहीं बढ़ती नहीं है, तो वेस्ट बंगाल के आगे जब बढ़ी तो राष्ट्रीय फलक पे जब आएंगे और जब आप चाहते हैं कि अपोजिशन के लोग आपके साथ हों, तो कम से कम वो तालमेल तो ठीक टीएमसी का होना चाहिए। तो जो जो ममता बनर्जी का जो तालमेल है वो गड़बड़ाता क्यों है? भाई एक बड़ा सवाल ये है कि ये जो है, जब आपने बहिष्कार करने की बात की, अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया और आप चली गई वहां पे, तो आपको अगर बीजेपी ने जिस तरीके से ट्रीट किया तो आप अपने सहयोगियों को क्या जाहिर करना चाहती हैं? और फिर आपकी नाराजगी, तो आपको कहीं ना कहीं एक क्लियर स्टैंड बीजेपी के खिलाफ अगर लेना था या एनडीए सरकार के खिलाफ लेना था या मोदी सरकार के लेना था, तो वो ममता जी को स्पष्ट तौर पर करना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया। ये निश्चित तौर पर ममता जी कोई मजबूरियां होंगी जिसके कारण से कि वो वहां पे हाजिर हुई सब कुछ छोड़ करके। जो अंतरकलह है ये तो इंडिया ब्लॉक में भी दिखती है, क्योंकि सर देखिए जैसा कि आपने ममता बनर्जी को कहा, एक लीडरशिप से दिक्कत होना कि जब कांग्रेस किसी भी चीज को आगे करती है तो वो लीडरशिप वो अनबैलेंस हो जाती है। ममता बनर्जी चाहती है कि उनको भी तवज्जो दी जाए। और दूसरी चीज सर देखिए, जब अभी जब स्पीकर पद के लिए जब बातचीत उठी तो कांग्रेस ने कहा कि हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे, तो उधर से टीएमसी ने कह दिया कि हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं, हमसे सलाह मशवरा किसी ने किया ही नहीं। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, केंद्र के अंदर तो कहा जाता है कि हम ममता बनर्जी को साथ लेकर चलना चाहते हैं, उनसे बातचीत हो रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल का नजारा ये आता है कि अधीर रंजन चौधरी उन पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो टीएमसी कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। सर उसके बाद वीरेंद्र जी आपके पास आऊंगी मैं जी। विजय जी देखिए, जो जो वेस्ट बंगाल का सिनेरियो है, देखिए वेस्ट बंगाल में जो ममता जी के पास जो भी शेयर आज दिख रहा है आपको राजनीति में, जो उनकी पकड़ दिख रही है, वो जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल पर उनके पास वामपंथी दलों के लोग हैं
जो कि पहले उनका सपोर्ट किया करते थे, अब वो टीएमसी के साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के लोग हैं जो कि पहले कांग्रेस के साथ होते थे, तो और पार्टियां चूंकि वहां पर पहले सत्ता में रह चुकी हैं, तो वो अपनी जो राजनीतिक जमीन है उसको हासिल करने के लिए किससे लड़ेंगी, जो सत्ता में होगा उससे लड़ेंगी ना। तो ये ममता जी के साथ वहां जो वेस्ट बंगाल की जो दिक्कत है, उस वेस्ट बंगाल की दिक्कत को उनको समझना चाहिए कि अगर हमको अपोजिशन के उन पार्टियों को भी साथ लेके चलना है तो उनको अकोमोडेट करना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि बेस पर जो ममता दीदी का जो स्टैंड है वो ये है कि भाई वो अपने को अकोमोडेट करती है तो अखिलेश यादव के साथ एक ब्लॉक के रूप में खड़ा होना चाहती है, वो एक एक वो जो है ओडिशा के जो है नवीन पटनायक के साथ खड़ा होना चाहती है, वो कहीं ना कहीं ममता दीदी अपनी जगह एक अलग खड़ा करके रखना चाहती है। वो न जाने क्यों कांग्रेस के जो इंडिया ब्लॉक है उसमें अपने आप को, मैं अगर सीधे शब्दों में कहूं तो असहज से महसूस करती है। ये असहजता आखिरकार क्यों है और राजनीति में जो एक तालमेल दिखना चाहिए वो वहां नजर क्यों नहीं आता है। जी ठीक है विजय जी। बीरेंद्र जी देखिए, जब नीति आयोग का एजेंडा ही सेट कर दिया विकसित भारत 2047 को लेकर, तो सर उसमें बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का क्या काम, सर बाकी मुख्यमंत्रियों से क्या राय लेंगे, सर बाकी के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं अपने राज्य के मुद्दे बताने के लिए कि उनके राज्य में किस चीज की नीड है, कौन सी समस्याएं हैं, जनता के मुद्दे क्या है, जनता की क्या चीजें चाहती है, लेकिन सर जब आपने एजेंडा तय कर दिया है विकसित भारत का 2047 का कि राज्य किस तरीके से इसमें मदद कर सकते हैं, तो सर उसमें राज्यों के मुख्यमंत्री सर क्यों शामिल होंगे, ये बात जो विपक्ष ने उठाई है सर। जी, मैं ये बोल रही थी, देखिए जब नीति आयोग का जो एक एजेंडा तय किया था विकसित भारत 2047 को लेकर, तो सर विपक्षियों का ये भी एक बयान कह लीजिए या फिर आरोप कह लीजिए कि जब आपने विकसित भारत 2047 का एजेंडा लिया है तो उसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों का क्या काम है। सर यही तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में फर्क है, हम समग्र समाज के विकास की बात करते हैं, समग्र सामर्थ्य की बात करते हैं, समता समरसता की बात करते हैं, सबके राय की बात करते हैं, स्वस्थित समझ की बात करते हुए भारत के डेवलपमेंट के लिए हम कटिबद्ध होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां चाहती नहीं है कि समस्त लोगों को साथ में लेकर चला जाए, इनका तो कहना है कि सांप्रदायिकता फैलाकर, अभी ममता बनर्जी की बात अभी बंगाल में होते वक्त किसी वक्ता ने कहा था कि अधीर रंजन चौधरी हमारे नेता हुआ करते थे, तो क्या आपकी जीत वो कांग्रेस के साथ नहीं है। अभी ममता बनर्जी जी की बात कर रहे थे, वो आए इंडिया गठबंधन के घटक दलों से हटके वो आई और बोली और उन्हें दिखाना था कि मैं केवल वल्ली पर वन मई नेता हूँ। वो कांग्रेस घटक दल जरूर है लेकिन कांग्रेस घटक दल ना उनको स्वीकार करना चाहता है और ना कांग्रेस उनसे चाह ही पाता है। कई बातों पे ऐसी असहमत होते हुए भी दोनों मुख हो जाते हैं। अधीर रंजन जी वहाँ तो उनकी भर्सना करते हैं, अराजकता बताते हैं, गुंडागर्दी दहशतगर्दी की बात बंगाल में करते हैं और यहाँ पे कांग्रेस प्रवक्ता बैठ कर समता इंडिया गठबंधन की एकता की बात करते हैं। आप जब बात करते हैं चन्नी, जब कांग्रेस के सांसद चन्नी जब आम आदमी पार्टी के धज्जियां उड़ाते हैं तो इंडिया गठबंधन नहीं आ जाता है। ममता बनर्जी जब कांग्रेस को धोती है तो इंडिया गठबंधन नजर नहीं आता है। सवाल ये है कि आज समाजवादी पार्टी कांग्रेस की वाईफाई बन चुकी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सपोर्ट के घटक हैं। आज अकेले इसकी हिम्मत हो तो समाजवादी पार्टी अकेले लड़ ले। आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों की व्यक्तिगत स्वार्थ हम नहीं कर सकते हैं, व्यक्तिगत पॉलिटिकल रिश्ते ऐसे हैं कि इनके ऊंटों का एकाकीकरण एक ही जगह आके बैठता है। ऐसे में अगर डिवाइडेशन की स्थितियां आएंगे तो ये जल पानी की तरह रह जाएंगे, मछली बिन पानी की हो जाएगी। ऐसे में सत्ता से दूर होकर तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं और समग्र विकास देश का होते हुए लूपी कर। ठीक है बीरेंद्र जी, ठीक है राजकुमार जी काउंटर करना चाहते हैं आपने जो सवाल पूछे हैं। जी राजकुमार जी, अब ये आपने कहा कि इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी की अलग राग है, ऐसी कोई बात नहीं, इंडिया गठबंधन मजबूत है। नहीं, आपने संभवतः जाके ये ममता बनर्जी जिस बात होगा जो उनके बयान आते हैं
आ रही हूँ अजीत जी। एक सेकंड, देखिए हमारी जो कांग्रेस पार्टी ना उसमें एक लोकतंत्र है और इंडिया गठबंधन जो है वो भी एक लोकतंत्र है। हमारे वीरेंद्र जी एक सेकंड प्लीज, राजकुमार जी को भी अपना काउंटर पूरा कर लेने दीजिए प्लीज। एक लाइन बोला जाता है और पर्ची लिखकर दे दी जाती है, मुख्यमंत्री बदल जाता है, ऐसी यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। यहाँ हम अगर इंडिया गठबंधन में है एक दूसरे की बातों को समझते हैं तो उसके बाद एक आम राय तैयार करते हैं। लोकसभा में धज्जी उड़ा देते हैं। वीरेंद्र जी प्लीज सर, प्लीज सर, एक मिनट सर, आपकी बात को उन्होंने शांति से सुना, प्लीज सर आप भी सुनिए। आपने उत्तर प्रदेश में उड़ाई है, देख रहे हैं क्या नौटंकी चल रही है, आगे भी आपका यही हाल होने वाला है। देखिए उसके बाद हम बता दें, ममता बनर्जी जो भी बोल रही है, कांग्रेस जो भी बोल रही है, इन चीजों में आप देखिए हम एक न्यूनतम मिनिमम कॉमन प्रोग्राम तय करते हैं, उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं। और इंडिया ब्लॉक बना क्यों, आप उसकी नींव देखिए क्यों स्थापित हुआ। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से संविधान पर खतरा, संविधान को जिस तरीके खतरे में डाला था, भारतीय जनता पार्टी ने गरीब दलित और पिछड़ों को जिस तरीके से उनके अधिकारों की हत्या की थी, उसके उसको काउंटर करने के लिए, उसको रोकने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन बना था। हम भारत की विविधता की तरह अनेक राज्यों की विविधता के अनेक दल है, लेकिन हमारा उद्देश्य यह है भारत की संविधान की रक्षा करना। और इस बार 2024 के इलेक्शन में इस देश के गरीबों ने संविधान बचा लिया और वही नौटंकी चल। राजकुमार जी, अभी यूपी के अंदर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है सर, क्या इसमें जो जानकारी सामने आ रही है इसमें सीटों के बंटवारे को लेकर सर खींचतान तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में भी चल रही है सर? देखिए खींचातानी की जो बात हो रही है, इससे पहले मीडिया में तमाम जगह खबरें बताई गई थी कि उत्तर प्रदेश में सीटों के लेकर टकरार है, कोई टकरार नहीं हुई। इंडिया गठबंधन ने किस तरीके से देखिए बीजेपी को दिया, ठीक उसी तरीके से हमारे जो एक न्यूनतम प्रोग्राम तय कर लिया गया है उसमें कोई डाउट नहीं है और बहुत ही मजबूती के साथ हम लोग लड़ेंगे। घोसी जैसा चुनाव होगा, घोसी जैसा रिजल्ट देंगे, निश्चित रूप से भाजपा पूरी तरह से साफ होगी। ठीक है अजीत जी, जी अजीत जी बोलिए आप। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ ले तो हम उसको औकात बता देंगे जी। तो भाजपा के प्रवक्ता से हम बताना चाहते हैं कि पूरे देश में 39 दलों का गठबंधन करके लड़े और उत्तर प्रदेश में इनके साथ निषाद पार्टी के जात के नेता संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, सुहेल देव राजभर पार्टी के, लोक दल के जयंत चौधरी जी, अनुप्रिया पटेल जी, तो सारे जातियों के नेता को तोड़ करके और जातियों के समीकरण पे टिकट दे रही है बीजेपी जी। तो ये किस मुंह से बात कर रहे हैं कि हम जो है कांग्रेस के साथ मिलकर ना लड़े तो हम इनको औकात ना दे। हम बीजेपी को चैलेंज करते हैं, अगर बीजेपी की औकात है इन सारे दलों को किनारे कर दे और हम पीडीए के लोग इनको जीरो पे कर देंगे और 27 में पीडीए के सवाल को लेकर के हम लोग जा रहे हैं जो जनता के बीच में और इस उपचुनाव में जो 10 सीटें होने जा रही हैं, एक भी ये सीट जीत जाए तो बड़ी बात है। ये सत्ता का हनक दिखा करके चुनाव में बेईमानी ना करें, ईमानदारी से चुनाव करा ले चुनाव आयोग, तो मैं गारंटी देता हूं कि एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे। इस समय जो जनता के बीच में स्थिति है, महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा कर्त में सब जा रही है, किसी पे इनका बहस रह गया, केवल ये भविष्य में जुमला और सपना दिखाने का काम करते हैं। आज क्या हो रही स्थिति वर्तमान में उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। 47 में विकसित भारत बनाने की बात करते हैं, बुलेट ट्रेन का इन्होंने सपना दिखाया, आज तक एक भी पटरी नहीं लग पाई। और इनके पीछे जिन देशों ने बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया वो बुलेट ट्रेन चला दिए, ठीक है जी, जी ठीक है, ठीक है सर, समय की थोड़ी कमी है। विजय जी से लास्ट एक मिनट सर, विजय जी क्या लगता है नीति, जो आज नीति आयोग की जो मीटिंग हुई थी उस पर तो बात की, लेकिन आज जो दिल्ली के अंदर बैठक है बीजेपी की, क्या लगता है सर यूपी की जो टेंशन है, यूपी की अंतर्कलह है, आज उसका जो खात्मा है एक तरीके से, एक तरीके से सोल्यूशन है, आज वो इस मीटिंग में मिल पाएगा सर? देखिए
देखिए असल में ये जो भारतीय जनता पार्टी के खासतौर पर आरएसएस के लोगों ने जिस प्रकार से इंटरवीन किया है और वो यूपी की राजनीति में अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं, वैसे तो सारे ही राज्यों की उन्होंने बेटी बुलाई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक सोल्यूशन आरएसएस अपनी ओर चूंकि आगे बढ़ा है, इसलिए लगता है कि शायद आरएसएस अपनी ओर से कोई सोल्यूशन लाने में सफल होगा और ये जो आपसी लड़ाई चल रही है, जो खींचतानी चल रही है, ये खत्म होगी। लेकिन इसमें ये हो सकता है कि जो कयास लगाए जा रहे हैं उसके हिसाब से हो सकता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स को इधर उधर किया जाए और कुछ बदलाव शायद इस स्तर पे होंगे योगी आदित्यनाथ के शायद हटने की। विजय जी, मैंने इसलिए आपसे पूछा क्योंकि देखिए जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका भी कार्यकाल खत्म होने वाला है, इसलिए मैंने आपसे पूछा सर। तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, क्या इसमें कुछ किया जा सकता है इसको लेकर, जो बार बार जो डेप्यूटी सीएम दिल्ली का दौरा कर रहे थे, दिल्ली की दौड़ लगा रहे थे सर। नहीं तो संगठन में ऑलरेडी जो है भूपेंद्र चौधरी एक बार इस्तीफा सौंप चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको कहा गया था कि तब तक आप बने रहिए जब तक कि कोई नया अध्यक्ष नहीं हम बना देते, तो ये तो पहले से ही तय है क्योंकि भूपेंद्र चौधरी अपना इलाका हार गए तो ये आरोप सीधे लगे थे कि भाई आप वहां वोट ही नहीं दिला पाए बीजेपी को, तो भूपेंद्र चौधरी ने अपना इस्तीफा पहले सौंप दिया था। बिल्कुल सर, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। राष्ट्रधर्म में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, कल होगी किसी और मुद्दे पर बातचीत, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे एनबी न्यूज के साथ, नमस्कार। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः, अर्थात ये भूमि हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। इसी भाव का अनुकरणीय उदाहरण है एक पेड़ माँ के नाम अभियान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण जन अभियान ने ले लिया है जन आंदोलन का स्वरूप। विगत 7 वर्षों में समय समय पर संपन्न हुए वृक्षारोपण से हुआ है 168 करोड़ से अधिक पौधरोपण, इससे बढ़ा है उत्तर प्रदेश के वनावरण का दायरा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवर्तनकारी नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण को मिली है नई दिशा। एक्सप्रेसवे, हाईवे के किनारे सर्विस लेन के साथ ही हरित पट्टी में लगाए गए हैं छायादार फलदार औषधीय एवं पर्यावरणीय महत्व वाले पौधे। आइए स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण जन अभियान 2024 में प्रतिभाग लेकर अपनी माँ के नाम जरूर लगाएं एक पेड़। हम सब मिलकर करें ये काम, एक पेड़ लगाएं माँ के नाम। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह, हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपूर, देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी, राजनांद गांव वाराणसी, चंबा सालगढ़, हरिद्वार रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट।